फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम एक्सेल में सबसे पहले करने जा रहे हैं कट कॉपी पेस्ट। कॉपी में दोनों लोकेशन में रहता है, रिमेंबर, और कट में मूव हो जाता है, वहां से आप मूव करके किसी और लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले सपोज मैं ये टोटल यहाँ से कट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूंगी टोटल को। टोटल आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से, और इसके कॉलम या रो हेडिंग पर आप जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका कॉलम है हमारा जी, तो जैसे ही कॉलम हेडिंग पर मैं सेलेक्ट करूंगी, देखिए पूरा टोटल आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं कट कर रही हूँ, देखिए राइट क्लिक किया कट, एंड देन जहाँ पर मुझे टोटल चाहिए वहाँ क्लिक किया, एंड देन राइट क्लिक एंड देन पेस्ट। देखिए टोटल मेरा मूव हो चुका है, ये मैंने कट से किया। अब मैं चाहती हूँ कि SS के जो मार्क्स हैं मैं इनको कॉपी करना चाहती हूँ, मीन्स SS के मार्क्स यहाँ भी रहे और एक लोकेशन में और भी चाहती हूँ वहाँ पर भी रहे। तो मैं कॉलम हेडिंग पर सेलेक्ट कर रही हूँ और देन मैंने किया कॉपी, और मैं यहाँ चाहती हूँ और मैंने यहाँ इसको कर दिया पेस्ट। तो देखिए SS जो है, SS के मार्क्स दोनों जगह हैं, ये मैंने कॉपी करके यूज़ किया है और टोटल को मैंने कट किया था, तो टोटल देखिए यहाँ नहीं है और इधर यहाँ पर टोटल आपका आ चुका है। ओके, तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी अंडू और रीडू। अंडू मीन्स अभी अभी जो लास्ट एक्शन आपने किया है उसको कैंसिल करना। देखिए अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल जेड, लास्ट एक्शन देखिए कैंसिल हो गया, कंट्रोल जेड, लास्ट एक्शन जो भी आपने किया था, टोटल को हमने किया था तो वो लास्ट एक्शन मेरा कैंसिल हो चुका है। अब मैं अंडू को कैंसिल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरा शॉर्टकट है रीडू और शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। देखिए टोटल वापस में ही जा चुका है। अंडू को कैंसिल करने के लिए हमारा होता है रीडू।